खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी, और हाँ, बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम कमलनाथ ने दी आदिवासियों को कई सौगातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कर्ज माफी, ये वही शब्द है जिस शब्द के बलबूते पर 15 सालों के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाई है, और एक बार फिर इसी शब्द का प्रयोग सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों को खुश करने के लिए किया है। जी हां, मौका था विश्ववादी दिवस के कार्यक्रम का, जहां पर छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और सीएम कमलनाथ वहां शिरकत करने पहुंचे, और इस मौके पर उन्होंने आदिवासियों को खुश करने के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि सीएम कमलनाथ ने कर्ज माफी शब्द का एक बार फिर से प्रयोग किया है, पहले किसानों को खुश करने के लिए किया था और अब आदिवासियों को खुश करने के लिए, तो क्या कुछ सौगातें दी हैं सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों को? जी देखिए, निश्चित तौर पर नम्रता, आज एक बड़ा दिन है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहीं इंदौर से लेकर भोपाल की सड़कों तक सांस्कृतिक रंग बिखेरते हुए नजर आए आदिवासी। वहीं आज उनके लिए एक बड़ा दिन था, खुश थे, और इस बीच सीएम कमलनाथ ने उसे खुशी के मौके पर रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। जी हाँ, सीएम कमलनाथ ने अपने गृह जिले छिंदवाड़ा से एक बड़ा ऐलान करते हुए जितने भी आदिवासी है उनने जो साहूकारों से लोन लिया है उसकी माफी की घोषणा कर दी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि इतनी बड़ी एक जो योजना थी, एक बड़ी सौगात है, उसका ऐलान उन्होंने छिंदवाड़ा से किया है, और इसके साथ कई सौगातें भी हैं। उन्होंने एक के बाद एक सौगातों की झड़ी लगा दी। मेरे पास जो डिटेल्स अवेलेबल है मैं उसको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार सीएम कमलनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी पर वो तमाम घोषणाएं शेयर करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी अंचल हैं, करीब 89 ब्लॉक्स हैं, अलग अलग विकास खंड है 89, वहां के तमाम आदिवासियों के जो कर्ज हैं जो साहूकारों से उन्होंने लिए हैं वो तमाम जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही उनकी जो जमीन और जो रकम गिरवी है वो भी उन्हें वापस करने का उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। बढ़ते आगे कुछ घोषणाओं की तरफ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने आदिवासियों के लिए डेबिट कार्ड की व्यवस्था भी की है। जी हाँ, डेबिट कार्ड, अब जब हम देखते हैं कि बैंक में हमारा पैसा जमा होता है तभी हम पैसे निकाल पाते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए अब कमलनाथ सरकार ने जो है ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी दी है, जिसके तहत उनके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए जाएंगे और वो 10,000 रुपये आदिवासी निकाल पाएंगे जब उनकी आवश्यकता होगी। वही इस पूरे ऋण को या 10,000 को उनको अलग अलग किस्तों में भरना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली कुछ योजनाओं की तरफ, अगली कुछ सौगातों की तरफ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनजातीय विभाग जो है अब आदिवासी विभाग हो गया, एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जनजाति विभाग खोला था, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी संगठनों की मांग थी कि हमें जनजाति नहीं बल्कि आदिवासी शब्द से संबोधित किया जाए, लिहाजा अब सीएम कमलनाथ ने उनकी बात सुन ली और अब आदिवासी विभाग खोलने के निर्देश दे दिए हैं। बात करें अगली बार, तो करीब 7 खेल परिसर बनेंगे। वहीं आदिवासियों में जैसे ही कोई किसी का जन्म होगा तो करीब 50 क्विंटल अनाज मिलेगा, यानी एक बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है, और अब 50 क्विंटल कैसे होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये इसमें कुछ अपडेट है या नहीं है, लेकिन सीएम कमलनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि 50 क्विंटल, अब मुझे लगता है कि 50 क्विंटल की जगह हो सकता है 50 किलो, क्योंकि 50 क्विंटल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब सीएम कमलनाथ ने लिखा होगा तो निश्चित तौर पर इस पर कोई मंथन किया होगा। बढ़ते हैं अगली सौगात की तरफ, तो करीब 40 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, एक बड़ी सौगात है, क्योंकि जहां तक माना जाता है कि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, लिहाजा उन्होंने 40 एकलव्य स्कूल खोलने की बात कही है, तो एक बड़ा एक कहें कि बड़ी एक सौगात है। बढ़ते हैं अगली योजना के लिए, तो उन्होंने भोजन के लिए बर्तन मुफ्त देने की बात कही है, हाट बाजार में एटीएम की बात कही है, वन ग्राम परंपरा खत्म करने के बाद उन्हें राजस्व ग्राम की एक योजना को लाया गया है, वहीं महापुरुषों की याद में जबलपुर में संग्रहालय और स्मारक बनेंगे। यानी निश्चित तौर पर सीएम कमलनाथ ने आज आदिवासी जो विश्व आदिवासी दिवस है इस मौके पर तमाम जो आदिवासी उनको खुश करने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी, एक के एक बाद एक बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है।
जी बिल्कुल राहुल, जैसे कि आपने कहा है कि सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक आदिवासियों के लिए कई तरह की घोषणाएं कर दी हैं, 40 एकलव्य स्कूल खोलने की भी घोषणा कर दी है, लेकिन इसके आगे एक सवाल और यहां पर सामने आता है कि जब सीएम कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में किसान कर्ज माफी का शब्द का प्रयोग किया था, तो किसानों की कर्ज माफी जब कमलनाथ की सरकार सत्ता में आई तब किसान कर्ज माफी उन्होंने 10 दिन में करने का ऐलान किया था, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी तक किसान कर्ज माफी पर अभी भी सवालिया निशान खड़े हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि पूरे किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं हो पाया है, और ऐसे में एक और कर्ज माफी की सौगात आदिवासियों को देना तो किस तरह से उभर पाएगी कमलनाथ सरकार इस कर्ज माफी के ऐलान से? क्या वाकई में आदिवासियों का कर्ज माफ हो पाएगा, क्योंकि किसानों का भी कर्ज अभी तक पूरी तरह माफ नहीं हो पाया है? वहीं दूसरा सवाल एक और यहां पर सामने आता है कि 40 एकलव्य स्कूल खोलने की सौगात दी है सीएम कमलनाथ ने, तो देखा गया है कि मध्यप्रदेश में बीते दिनों ही जब कई क्षेत्रों में शिक्षकों की भी परीक्षा दी गई थी तो उन्हें ठीक से शब्द लिखना ही नहीं आ रहे थे, उन्हें अपने क्षेत्र का ही, अपने मध्यप्रदेश का ही सीएम का नाम नहीं पता था, अपने क्षेत्र के नेताओं का नाम नहीं पता था, और किसी भी तरह का नॉलेज उन शिक्षकों को नहीं था, और स्कूलों की हालत भी बहुत जर्जर बनी हुई थी, पत्तों में बच्चों को भोजन कराया जा रहा था, जो मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूलों की तरफ से दिया जा रहा है वो पत्तों में परोसा जा रहा था, तो ऐसे में जो स्कूल उपस्थित है उन्हीं में अभी तक हालत में सुधार नहीं हुआ है उन्हीं स्कूलों की, तो ऐसे में जब 40 एकलव्य स्कूल और खोले जाएंगे तो उनकी जो सुविधा होगी वो किस तरह से दे पाएंगे सीएम कमलनाथ? देखिए नम्रता, आपने जो पहला प्रश्न किया था कि किसान कर्ज माफी के तले दबी कमलनाथ सरकार, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि किसान कर्ज माफी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कमलनाथ सरकार की जो आर्थिक बदहाली है कहीं ना कहीं वो उसका एक बड़ा कारण है, लेकिन सीएम कमलनाथ ने आज मौका भी था, दस्तूर भी था आदिवासियों को खुश करने के लिए, उनको एक तरह से यूं कहें कि सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने बड़े ऐलान किए। बहरहाल अब ये पूरा आर्थिकता का मामला, बजट से जुड़ा मामला है, आगामी दिनों में सीएम कमलनाथ किस प्रकार से बजट की जुगाड़ कर पाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि सीएम कमलनाथ लगातार उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, हाल ही में मुंबई गए थे, लगातार अगर हम बात करें अंबानी से बात की है, बिड़ला से बात की है, तो हो सकता है कि उन्हें कोई, उनके पास कोई एक फुल प्रूफ प्लान हो, तो ऐसे में इस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि बदहाली के बावजूद कैसे यूं कहें कि आदिवासियों के कर्ज माफ करेगी, लेकिन यह कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है अगर कर्ज माफ होता है तो। किसानों की बात कही तो मामला अभी भी अधर में अटका हुआ है, हालांकि अब सीएम कमलनाथ ने जो बड़ा ऐलान किया था, मुझे लगता है कि किसान भी अब किसानों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, ना कोई आंदोलन हो रहा है, नहीं किसी प्रकार की कोई बात हो रही है, बीजेपी भी इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, मुझे लगता है कि उन्हें भी यह मुद्दा अब जो है चुनाव के बाद वो भी खुद भी भूल चुकी है। बात आती है 40 एकलव्य स्कूलों की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम कमलनाथ के अभी अगर वर्तमान की बात करें तो निश्चित तौर पर जर्जर हालात हैं, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और कई स्कूलों में जहां शिक्षक है वहां उनकी नॉलेज पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नम्रता एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो एकलव्य स्कूल रहेंगे वो आदिवासी अंचलों में खोले जाएंगे, जब 40 नए स्कूल्स आएंगे तो नए टीचर भी आएंगे, और जब स्कूल्स नए आएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर है वो आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है और फ्यूचर का सवाल है कि क्या निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर आदिवासियों की शिक्षा पर कोई सुधार होगा, तो ये तो भविष्य के गर्त में है, ये देखने बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन सीएम कमलनाथ ने एक बात तो स्पष्ट दिया कि आर्थिक बदहाली के चलते भी उन्होंने आदिवासियों के हक के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, कई आदिवासी संगठनों में खुशी का माहौल है, तो वहीं जहां पर आदिवासी आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर नृत्य कर रहा है, झूम रहा है, मुझे लगता है कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो खुशी है वो आज दोगुनी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों को कई तरह की सौगातें दी हैं, लेकिन उनकी सौगातों पर कई तरह के सवालिया निशान भी यहां सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसानों की कर्ज माफी भी पूरी नहीं हो पाई है, और इसके बाद विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों को भी कर्ज माफी की सौगात दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये कर्ज माफी हो पाती है, और सीएम कमलनाथ मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने के आर्थिक संकट से किस तरह से उभर पाते हैं। ताजातरीन खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एमपी न्यूज़। नमस्कार। लगातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज़ टीवी, और हाँ, बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।